जो लोग राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंच रहे हैं, आप उनको दर्शन करवाएंगे राम मंदिर के? आप राम जी के 1000 मंदिर बना लो, लेकिन राम के आदर्श को कब मानोगे? राम मंदिर का ऐसा मुद्दा चला दिया कि देश से सारी मुसीबत समाप्त हो गई। राम जी को छोटा दिखाया जा रहा है और मोदी जी को बड़ा दिखाया जा रहा है। जब एक सरकार जो 5 साल आकर देश को बर्बाद कर रही है, देश को लूट रही है, तो देश को बचाने के लिए अगर चुनाव प्रक्रिया में महीने भर का समय लगता है तो वो समय लगने में क्या दिक्कत है? आप बड़े बड़े सारे चुनाव हारेंगे, और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ, आप जितनी मर्जी यात्रा निकालिए, कोई आपको सफलता प्राप्त नहीं होनी। देश में नफरत इन्होंने इतनी फैला दी कि आज हर चौथा आदमी इस नफरत का शिकार है। भाई राम मंदिर जाओगे नहीं जाओगे? पहली बात तो ये मुझे आप बताइए कि आप मुझे बताएंगे कि मैं राम मंदिर जाऊंगा या नहीं बताएंगे। हाँ। ये मुझे बताइए, आपने राम मंदिर का ठेका ले रखा है कि कौन राम मंदिर में जाएगा या नहीं जाएगा? और एक बात मुझे बताइए, जो लोग राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंच रहे हैं, आप उनको दर्शन करवाएंगे राम मंदिर के? ये मुझे बताइए ना। दर्शन तो पहले से ही आज की डेट में भगवान के दर्शन भी आप ये समझ लीजिए कैटेगरी वाइज हो गए हैं। VIP अलग से, VVIP अलग से, आम पब्लिक के अलग से। आम पब्लिक तो भगवान श्री राम को एक नज़र से देख भी नहीं पाएगी। और क्या अर्थ होता है राम राज्य का? आपको पता है राम मंदिर तो बन गया, लेकिन देश में राम राज्य कब आएगा, जरा ये तो बताइए। राम राज्य चल रहा है देश में। अच्छा हाँ। तो जरा मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका? अरे ना, फिर अरे तो मेरी बात अभी आज तो नाम पे आया, आज इन पत्रकारों को मैं एक्सपोज करूंगा। मेरी बात सुनिए, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद साजिद नाम है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप मुझे कि राम राज्य कैसे आ गया? राम राज्य के अंदर किस बेटी के साथ बलात्कार हुआ बताइए? फिर तुम नई बात करने लगे। नई बात क्या है? राम राज्य, अरे सुन लीजिए, सजा नहीं मिली उनको? सजा नहीं मिली? इनको सजा मिल गई। जो जिनको आप आरोप लगा रहे हैं उनको सजा मिली? इनको नहीं मैं, अरे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनको पता है? हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जरा मुझे बताओ। किसकी बात? मैं बता रहा हूँ, मैं मुझे बताओ ना किसकी बात कर रहा हूँ। राम राज्य का अर्थ है, सुन लीजिए, राम राज्य का अर्थ है जिस राज्य में हर माँ के बेटे को जो है खाने को रोटी मिले, हर माँ की बेटी सुरक्षित हो, हर बेटे के पास रोजगार हो, कोई किसी को मारे ना पीटे ना, कोई नफरत का प्रचार ना हो। ये राम राज्य है। आप राम जी के 1000 मंदिर बना लो, लेकिन राम के आदर्श को कब मानोगे? ये मुझे बताइए ना आप मुझे। वो राम मोदी जी 5 किलो राशन दे तो 5 किलो राशन के मैं, आप 5 किलो राशन दे के करते रहो दलाली का काम, आप करते रहो, आपके काम को किसी ने मना करा हो तो मुझे बताओ। आप 5 किलो राशन सवाल कर लेते हैं तो तुम दलाली का तमगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो राम मंदिर बन गया, इस राम मंदिर से महंगाई समाप्त हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। राम कोई नरेंद्र मोदी जी थोड़ी लेके आए हैं। जब मोदी जी का जन्म नहीं हुआ तब से राम है। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मोदी जी को राम लेकर आए हैं। बताइए ना आप मुझे, राम किस कौन लेके आया? राम जी को मोदी जी लेके आए हैं। मंदिर बन गया है तो वहां पर पर्यटक जाएंगे, वहां से भी तो रोजगार उत्पन्न होगा। अच्छा, मतलब जो कंपनियां बनी बनाई थी उनको तो डुबा दिया, अब मंदिरों से ही जो है पर्यटन आएंगे। मुझे ये तो बता दीजिए मुझे आप, पहली बात कि जो मंदिर के जो लोग बात कर रहे हैं और मंदिर पे इतना हल्ला गुल्ला कर रखा है इन्होंने, ये मुझे बताइए कि राम पहले नहीं थे क्या? मोदी जी लेके आए हैं राम? मोदी जी ने बनवाया मंदिर? मोदी जी के मिस्त्री थे राम मंदिर में? देखिए आपने फोटो नहीं देखी आपने? कौन सी फोटो? मोदी जी लेके जा रहे हैं वो हाथ पकड़ के। ये मैं यही तो बता रहा हूँ, ये इस देश के लोग इतने पागल हो गए हैं कि इन्होंने अंधभक्ति का ऐसा चश्मा अपने दिमाग पे चढ़ा लिया कि राम को तो छोटा कर दिया और मोदी को बड़ा कर दिया, और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मोदी जी जो है वो राम जी को लेकर आ रहे हैं। अरे कम से कम कुछ तो शर्म करो, एक राजनीतिक पार्टी के चलते, एक पॉलिटिकल लीडर के चलते आप लोगों ने अपने भगवान की मर्यादा को तार तार कर दिया। कम से कम कुछ तो शर्म अगर आपके अंदर बची है तो उस फोटो को कर सरकार से सवाल करो। आपको शर्म नहीं आती कि उधर मध्य प्रदेश के अंदर हनुमान जी को जो है वो मुख्यमंत्री को माला पहना रहे हैं? अरे बेशर्मों कुछ तो शर्म कर लो। और इन लोगों का क्या है, ये तो अपनी दिहाड़ी मजदूर हैं, ये अपनी दिहाड़ी पे काम करते हैं और आप लोगों के घर तक नफरत पहुंचाने का काम करते हैं। तो इन दिहाड़ी मजदूरों को छोड़िए और अपने दिमाग पर जोर डालकर देखिए कि कैसे किस प्रकार से राम जी को छोटा दिखाया जा रहा है और मोदी जी को बड़ा दिखाया जा रहा है। लेकिन आप तो पागल हैं, आपका तो दिमाग ही संतुलन बिल्कुल जो है पागल हो चुका है। आप मंदिर मस्जिद में पूरी तरीके से उलझ चुके हो। मोहित शर्मा, अमीश देवगन एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा कि जो मंदिर जाएगा उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करो ना, एक बात मुझे बताओ, इसको कोई भी बीमारी हो ना, इसको अस्पताल के लिए, इसके लिए सारे गेट बंद कर दो और इसको मंदिर के बाहर ही बिठाल दो। इसको एक ही काम कराओ ना, ये तो इतना ऐसा पत्रकार है, अगर इनके लिए कुछ बोल दो तो डिफार्मेशन कर देते हैं। ये अमीश देवगन से कोई पूछे फिर तो सारे अस्पताल बंद कर दो, सारे अस्पताल बंद कर दो ना, और ये न्यूज़ चैनल भी बंद कर दो। सबसे पहले तो ये न्यूज़ चैनल पर अंकुश लगाना चाहिए, जो नेशनल मीडिया ना, आप लोगों की नहीं, नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, ये जो भाड़े के जो किराए के जो टट्टू रख रखे हैं ना इन्होंने, इनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। ये भाड़े वाले मजदूर इतने घातक हैं इस देश की स्थिति के लिए कि देश में नफरत इन्होंने इतनी फैला दी कि आज हर चौथा आदमी इस नफरत का शिकार है।
पूरा देश राममय हो गया है। देखिए विपक्षी पार्टी का तो ऐसा है, विपक्षी पार्टी भी अपना मानसिक संतुलन कई हद तक खो चुकी है। आए दिन ऊट पटांग बयान देती रहती है भगवान श्री राम को लेकर। राम इस देश की आस्था का प्रतीक है, देश का प्रत्येक व्यक्ति राम को मानता है, देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन विपक्ष की पार्टियों का क्या काम है, हम उद्घाटन में नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। अरे आपके जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उद्घाटन फिर भी होगा। लेकिन ये एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो राम मंदिर का उद्घाटन है, ना तो नरेंद्र मोदी के हाथों से होना चाहिए था और ना किसी राजनेता के हाथों। मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए जो हमारे प्रकाश पंडित हैं, जो प्रकाश पुजारी हैं, उनके हाथों से होना चाहिए। नेताओं की क्या जरूरत है? मोदी जी भी हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो हम क्या है? हम नहीं है हिंदू हृदय सम्राट? ये सर्टिफिकेट बढ़ते हैं क्या? कहीं से, कौन से, कहां से, कौन सी संस्था देती है सर्टिफिकेट? इस देश में अकेले मोदी हिंदू हैं, बाकी कोई और हिंदू ही नहीं है। ये जो इतने साल से मंदिरों में जो पूजा पाठ कर रहे हैं, ये हिंदू नहीं है? मोदी जी का आज के समय में जो मोदी जी का विरोध करे वो हिंदू नहीं है। अच्छा, ये कहां से लिखा, कौन सी किताब में लिखा है? हमारे देश के अंधभक्त बोलते हैं। आपके देश के अंधभक्त जो बोलते हैं उनको जरा ये बताइए कि इतने सारे लोग जो है मोदी से हिंदू धर्म है क्या? हिंदू धर्म पहले नहीं था? जरा मुझे ये बताइए, पहले नहीं था? मंदिर बनवा दिया और क्या चाहिए, तो एक इतना बात भी अधिकार नहीं है कि वो उद्घाटन कर दे। मुझे बताओ पत्रकारिता करके आए हो या नहीं करिए? नहीं, इतना भी अधिकार नहीं है उनके पास कि वो उद्घाटन कर दें। अगर मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे तो स्कूल का उद्घाटन करने के लिए पुजारी पहुंचेंगे? क्या कर रहे हो, जवाब दो ना। नहीं नहीं, आप बता तो रहे हो। अरे मैं तो बता रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ भी तो रहा हूँ, बड़े ही बेवकूफ हो तुम तो। स्कूलों का उद्घाटन नहीं करते? कौन? देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजनेता करते नहीं है उद्घाटन? चार स्कूलों के नाम बताओ जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया हो। पूरे देश के तमाम लोगों को खुला चैलेंज है, ये पत्रकार बताएगा। अरे चेहरा दिखाओ यार, चेहरा दिख रहा है मेरा, चेहरा। मैं आपका यार हूँ। क्या हो गया, क्या शब्द है? अच्छा क्या है ये? मैं आपका यार हूँ, मोहित शर्मा। देखिए मैं आपका यार हूँ, अरे मोहित शर्मा यार, भाषा है यार नहीं है तो पहले भाषा का कंट्रोल। अच्छा ठीक है, मर्यादा में रहिए। बिल्कुल मर्यादा में है, लेकिन हम मर्यादा में, लेकिन आप भी तो मर्यादा से बाहर होते जा रहे हैं। मैंने आपको क्या कह दिया? मैंने आपको क्या कह दिया? आप प्रधानमंत्री को ऐसे आप शब्द बोल रहे हैं? आप प्रधानमंत्री आपका चाचा है? क्यों, देश का प्रधानमंत्री नहीं है? अरे तो देश का प्रधानमंत्री है तो मैं विदेश से आया हूँ, मैं भी तो देश में ही रहता हूँ। और देश के प्रधान विरोधी है आप। अच्छा तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करूं? तुम्हारा चाचा है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है तुम्हारा। भैया अगर इतनी तकलीफ है उसको कुर्सी से उठवा दो, फिर सवाल नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री से सवाल किया जाएगा, और आपको तकलीफ है तो कल बर्नौल ला के दूंगा, लगा के सवाल करना, ये याद रखना। वोट का अधिकार आपको भी है, उनको भी है। संबित पात्रा कहते हैं मोदी जी जो कहते हैं उनके बाप होंगे, देश के थोड़ी बाप हो जाएंगे। हमारे तो पिताजी घर में बैठे हुए, जो मानते हैं जो लोग कह रहे हैं उनके बाप होंगे, हमारे थोड़ी है। अगर कल को आप ये कह दोगे कि भैया नरेंद्र मोदी जी, आप नरेंद्र मोदी जी आपके तो होंगे ही, संबित पात्रा ने कहा है, और वो तो आपका रिश्तेदार है। आपके होंगे, आपके होंगे। कैसी बात कर रहे हो, आप तो मोदी जी के समर्थक हो। संबित पात्रा ने जो कहा है वो संबित पात्रा जाने, आपने कहा तो दिया। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप मोदी जी से सवाल कर रहे हैं? मोदी जी आप, मैंने सवाल करने को मना किया क्या? आपके सवाल आप खुल के करिए, कितने सवाल पूछेंगे, आपके सवाल जाते हैं कि नहीं जाते ये बताइए। अच्छा आपने एक बात मुझे बताइए, एक सवाल जिससे इस देश की जनता को फायदा हो जरा बता दो। एक सवाल जो आपने अब तक पूछा हो जो इस देश की जनता के हित में हो, जरा मुझे बता दो कौन सा सवाल आपने किया है। आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं, जरा बताइए। तो मंदिर का उद्घाटन अगर कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो आपको इसमें दुख क्यों हो रहा है? मेरे को काहे का दुख होगा? मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस के लीडरों को न्योता दिया जाता, वो उसमें उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस के लीडर को न्योता मिले या ना मिले, मैंने कोई कांग्रेस पार्टी की फ्रेंचाइजी थोड़ी ले रखी है। आप कांग्रेस बीजेपी लेके आ गए। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे तो स्कूल, कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन क्या मंदिर के पुजारी करेंगे? ये तो बता दो। मत करो, जवाब दे दो। नहीं नहीं, जवाब आपने मंदिर पे सवाल किया, क्या आपको लगता है कि मंदिर जनता के हित में नहीं है? है? आपने बोला कि जनता के हित में, अभी तक सवाल मंदिर धर्म के हित में है, ये याद रखिएगा। ना तो मंदिर से आपका पेट भर जाएगा, ना मंदिर से आपका घर चल जाएगा। मंदिर आस्था का प्रतीक है, मंदिर तो बनना चाहिए। बीजेपी के लोग बोलते हैं कि मंदिर के अगल बगल पूरी इकोनॉमी घूमती है। अच्छा, मंदिर के अगल बगल पूरी इकोनॉमी घूमती है। तो जरा उनसे ये तो बता दीजिए कि अब मंदिर बन गया, अब क्या ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी? ये देश के ऊपर जो कर्जा बढ़ा दिया आपने, ये कर्जा समाप्त हो जाएगा? है आपके पास जवाब? ये सब तो अफवाहें फैलाई जाती है, मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आप कितने विदेश के दौरे करिए आए, बताओ ना आप मुझे, कितने दौरे करिए आए विदेश के, जो आप कह रहे हो कि डंका बज रहा है? आप देखते नहीं मोदी जी जाते किसी भी विदेशी दौरे पे जाते तो मैं नहीं देखता हूँ, आप देख के आए। कहाँ कहाँ देखा है आपने, नाम बताओ, कहाँ कहाँ मोदी का डंका बज रहा है? आप कौन कौन सी कंट्री होके आए हैं, जरा जवाब दे दीजिए। आपने सुना नहीं था, अब की बार ट्रंप सरकार, मोदी जी ने कहा था, तो वो कहाँ पर लोग थे? अच्छा हाँ, तो ट्रंप कहाँ है? ट्रंप तो पोर्न स्टार के मामले में जेल में चला गया, ट्रंप कहाँ है?
आप तो कह रहे हो विश्व में मोदी जी का अगर डंका बज रहा है तो ट्रंप चुनाव कैसे हार गया, ये तो बता दो मुझे। मोदी जी का अगर डंका बज रहा है तो ट्रंप को जीतना चाहिए था। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, बता तो दो कहाँ डंका बज रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत कैसे रही है, वो तो ईवीएम से जीत रही है, उसको छोड़ दो। आप मुझे ईवीएम पर आ गए, क्यों नहीं आए ईवीएम पर? विपक्ष जीतता है तो ईवीएम से नहीं जीतता। अरे विपक्ष उठाए या ना उठाए, मैंने विपक्ष का ठेका थोड़ी ले लिया है। मैं भारत देश का नागरिक हूँ और मेरे को राइट टू स्पीच का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है। आप नहीं बताओगे मुझे कि मैं क्या बोलूंगा और क्या नहीं बोलूंगा? विपक्ष ईवीएम का मुद्दा उठाए या ना उठाए, हम तो उठाएंगे। जिस राजस्थान में 2 महीने पहले शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसी 2 महीने के बाद अब चुनाव होता है एक सीट के ऊपर और बीजेपी हार जाती है। क्या कारण है? अगर बीजेपी ईवीएम से नहीं जीत रही तो कैसे जीत रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ईवीएम के बिना एक ग्राम पंचायत का चुनाव ना जीत पाए, और प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की चीज है, ये याद रखिए। हिमाचल प्रदेश में और तेलंगाना में किस चीज से जीते हैं आप लोग? क्या कांग्रेस की? अरे मेरी बात सुनिए, जब हिमाचल ये जीते, जब ये तेलंगाना जीते, जब कर्नाटक जीते, तब भी हमने कहा कि आप 2-3 राज्य जीतकर ये मत समझिए कि ईवीएम आपके पक्ष में नहीं, आप बड़े बड़े सारे चुनाव हारेंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ, आप जितनी मर्जी यात्रा निकालिए, कोई आपको सफलता प्राप्त नहीं होनी जब तक आप ईवीएम को लेकर एक कठोर फैसला नहीं लेंगे। आप पार्टी में इतना करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, आपकी रैली में करोड़ों रुपया खर्च होता है। आप इलेक्शन कमीशन को कहिए कि एक जगह वो हमारे कहने से जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, उसका जो भी खर्चा होगा वो हम देंगे। आप करिए ना। लेकिन लेकिन सवाल तो एक और बन रहा है ना कि ईवीएम में अब वीवीपैट भी लगवा दिया गया है, अब तो क्या उसमें गड़बड़ी हो सकता है? एक बात मुझे बताइए, आपको पता है कि इंक भी आती है चेंज होने वाली, जो इंक 2-3 घंटे में चेंज हो जाती है, आपको पता या नहीं पता? आपने देखा होगा बचपन में, आपने पेन भी यूज किए होंगे जिनकी स्याही भी उड़ जाती है। तो बहुत सारी चीजें आप टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, बाबा आदम के जमाने में नहीं जी रहे हैं आप, कि अब नहीं है। आज एक मिनट सुनिए, आज से पहले किसी ने सोचा था कि कोई एक ऐसा यंत्र भी आएगा जिससे बैठे बैठे आप एक देश से दूसरे देश में बात कर पाएंगे? लेकिन टेलीफोन का आविष्कार हुआ ना, बताइए ना आप मुझे, आप आज यहाँ से बैठकर चंद्रमा तक बात कर लेते हैं तो हुआ ना आविष्कार इस देश में, डेवलप हुआ ना? यहाँ से बैठे बैठे एक आदमी का अकाउंट हैक कर लेता है अमेरिका में बैठा व्यक्ति, तो आप मुझे बताइए ना, ये डेवलपमेंट ही तो है, टेक्नोलॉजी तो है। जब एक टेक्नोलॉजी के जरिए हिंदुस्तान के आदमी का अकाउंट अमेरिका का आदमी हैक कर सकता है, तो क्या एक मशीन को हैक नहीं किया जा सकता? बताइए ना आप मुझे। आपको नोटिस भेजा जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि जो भी ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे उनको नोटिस भेजा। हाँ तो मेरे घर का एड्रेस लिख लो, भिजवा दो मेरे को नोटिस, मेरे पे तो पहली नोटिस आए, वो और आ जाएंगे तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो उसमें खाना पैक करा के खा जाऊंगा, क्या दिक्कत है? मेरे को डर नहीं लगता नोटिस पोटिस से। कल जेल डलवाते हो तो आज डलवा दो, अभी डलवा दो, हैक करके दिखा देंगे आप, हैं हैक करके दिखा देंगे। अरे तो जो लोग मांग रहे हैं ईवीएम को, मैं कहता हूं हैक हो या ना हो, अगर नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी हवा चल रही है तो बैलेट पेपर से करा लो, हम भी हवा में शामिल हो जाएंगे। जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील उतरे, उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम दो, लेकिन उनको डिटेन कर लिया गया। अरे भैया मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ इनका है, अखबार खबर सब कुछ इनका है, सब अधिकारी ऑफिसर सब इनके हैं, आप ये समझ लीजिए। आप इनके खिलाफ बोल रहे हैं, जेल जाने से बच रहे हैं, बस इसी में बचे रहिए, ये सबको इन्होंने खरीद रखा है। इस देश में जो लोग कहते हैं ना कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, कोई डेमोक्रेसी आज की डेट में नहीं बची, सब डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया है। देश में नफरत इतनी पैदा कर दी है कि हिंदू मुसलमान के सिवा टीवी पर कोई और टॉपिक ही नहीं है। अब राम मंदिर का ऐसा मुद्दा चला दिया कि देश से सारी मुसीबत समाप्त हो गई, ना देश में महंगाई बची, ना बेरोजगारी बची। एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था, एक बेचारा ठेली वाला राम मंदिर के बाहर ठेली लाके खड़ा हुआ था, राम मंदिर के आसपास के इलाके में, राम मंदिर के बाहर नहीं, उसके आसपास के एरिया में, तो उसको पुलिस वाले डंडे से मार के भगा रहे थे। आप मुझे एक बात बताइए कि राम मंदिर तो बन गया, जो देश के लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं वो बेरोजगारी कैसे दूर होगी, महंगाई कैसे दूर होगी? आप लोगों को ये नहीं समझा रहे कि देश की एक बड़ी आबादी जिस पर राज है इस देश के हिंदुओं का, जो आप कहते हैं ना कि भैया कि इस देश के अंदर मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है, सरकार मुसलमानों को नहीं हिंदुओं को टाइट करने का काम कर रही है। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो सबसे ज़्यादा असर हिंदुओं के कंधे पर पड़ रहा है, बेरोजगारी हो रही है तो सबसे ज़्यादा असर हिंदुओं के कंधे पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत देश में हिंदुओं की तो आबादी ज़्यादा है, तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो सामना सबसे ज़्यादा हिंदुओं को करना पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो सामना हिंदुओं को करना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ का सामना तो हिंदू लोग ही कर रहे हैं और पागल भी उन्हीं को बनाया जा रहा है। एक सवाल ले लीजिए, आप जिस तरह से या तमाम लोग ईवीएम को विरोध कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से आता है जो
हमें जनता के द्वारा जो मत दिया गया है हमें उस पे पूर्ण विश्वास है। अरे भैया मैंने किसी का कोई क्या लिखता है, सब देश में स्वतंत्र नागरिक हैं। अब आप किराए का काम कर रहे हैं मोदी सरकार का, आपको किसी ने मना किया? आप भी तो मोदी सरकार के किराएदार हैं ना, आपको भी कोई मना नहीं कर रहा। आप भी भाड़े पर सरकार की गुलामी कर रहे हैं तो करते रहिए। लेकिन राहुल गांधी हो या और तमाम लीडर हो विपक्ष के, वो सवाल उठाएं या ना उठाएं, मैं भारत देश का एक नागरिक होने के नाते मैं ईवीएम को लेकर सवाल उठाऊंगा, क्योंकि वोट डालना मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा अधिकार है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। कोई पार्टी के लोग तो नहीं उठा रहे ना? अरे भैया पार्टी उठाए या ना उठाए, देश के लोग उठाने चाहिए। पार्टी से देश थोड़ी है, जब देश है तो पार्टियां बनेंगी, देश के लोगों से पार्टियों का निर्माण होता है। आप ईवीएम में गड़बड़ी बता रहे हैं, पहले भी बैलेट पेपर लूटे गए हैं, बैलेट पेपर भी लूट लिए जाते हैं। अरे अभी तो ईवीएम मशीन भी गायब हो रही है, उसको नहीं देख रहे आप? है क्या कर रहे हो आप? नहीं तो बैलेट पेपर भी लूटे गए हैं, ईवीएम भी गायब हो रहा है, फिर कोई ऑप्शन है? बैलेट पेपर कब लूटते थे, कब लूटते थे? आज पेटियां लूट ली जाती थी, मैं वही बता रहा हूँ आपको, उस वक्त पे लूटते थे। आज आप ये देखिए, आज पुलिस है, प्रशासन है, शासन है, हमारे पास में सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, इंडियन आर्मी है, तमाम पुलिस फोर्स है। अब थोड़ी हो जाता है वो काम, पहले तो दिन दिहाड़े गोली भी मार दी जाती थी, अब थोड़ी होती है, हर चीज का एक समय होता है। अब आप कराइए, आज के डेट में तो कोई होता ही नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, हम जो है पिछले पुराने जमाने में चले जाए, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो जो सबसे बड़े जो और भी जो तमाम देश है वहां पर टेक्नोलॉजी का फायदा क्यों नहीं हो रहा? वहां पर ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं हो रहे? जिस देश ने ईवीएम को बनाया वो क्यों नहीं ईवीएम से चुनाव कराता? मैं बहुत ज्यादा आबादी वाला देश है ना, यहाँ चुनाव करने अच्छा हाँ बहुत ज्यादा आबादी वाला देश है, है? तो ये आबादी कौन बढ़ा रहा है? तो यहाँ चुनाव करवाना महीनों नहीं, मुझे ये तो महीनों बीत जाएंगे। हाँ, तो क्या हुआ चुनाव आयोग ऐसा क्या? मेरे को एक बात मुझे बताइए। हाँ, जब एक सरकार जो 5 साल आकर देश को बर्बाद कर रही है, देश को लूट रही है, तो देश को बचाने के लिए अगर चुनाव प्रक्रिया में महीने भर का समय लगता है तो वो समय लगने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा एक महीने, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या एक महीने पहले चुनाव हो जाएगा, आपको दिक्कत क्या है ये बताइए ना। नहीं आप तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर उतर कर क्या कब आंदोलन करेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, हर चीज का एक समय होता है, और इस देश की जनता नहीं है, समय ही नहीं है। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, आपके बाद समय आएगा क्या? नहीं चुनाव के बाद नहीं आएगा, अभी हम हर चीज को लेकर ईवीएम को लेकर लगातार लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट करें, लेकिन सरकार करने ही कहां दे रही है? सरकार तो लोग उठा के जेलों में बंद कर रही है।